हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी राजभोग रसगुल्ले पसंद है? पर आज हम बनाएंगे राजभोग टिक्की रसगुल्ला, जो बहुत ही स्पॉन्जी और मार्केट से भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप मेरी 6 टिप्स फॉलो करोगे तो आपके बनाए हुए रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया और मार्केट से भी अच्छे बनेंगे और आप अपने बच्चों को एक हेल्दी रेसिपी खिला पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो मिल्क ले लिया है। यहाँ पर मैंने पैकेट का मिल्क लिया है, आप यहाँ पर गाय का मिल्क भी ले सकते हैं। अब हम ये चम्मच चलाकर गर्म करेंगे। इतना ये गर्म होगा इतना हम यहाँ पर विनेगर लेंगे 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून विनेगर में हमें कम से कम 5 टेबल स्पून वाटर डालकर इसे डाइल्यूट कर लेना है। इससे क्या होगा, छेना बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप डायरेक्ट विनेगर डाल दोगे तो छेना टाइट बनेगा। ये है टिप्स नंबर 1। इतना यहाँ पर दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा इसे हम गैस फ्लेम से उतार लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और चम्मच चलाएंगे, 1 से 2 मिनट रखना है आपको। गरम गरम दूध में बिल्कुल भी विनेगर नहीं मिलाना है। अब थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है और चम्मच चलाना है। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम दूध फाड़ देंगे। इससे क्या होगा, छेना हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा और उससे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। हमें फिर थोड़ा सा विनेगर डालना है और ये देखिए ये फटने लगेगा। अब फिर चम्मच चलाना है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये फटने लगा है, पर अभी अच्छे से ये छेना नहीं तैयार हुआ है। अब फिर हम इसमें पानी डालेंगे ये, और ये देखिए अब आपको खुद नजर आ जाएगा कि ये कितनी जल्दी पूरा चेंज हो जाता है। देखिए पानी इसका अलग हो गया है और छेना पूरा अलग हो गया है। इसी से पता चलता है हमारा छेना जो है बहुत अच्छा बन गया है। अब इसमें थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे, ये देखिए पानी आपको अलग ही नजर आए, येल्लो कलर में हो गया है। बस अब हम इसे छान लेंगे। तो इसे छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक टोकरी ली है और उस पर कपड़ा ले लिया। आप व्हाइट ही कपड़ा ले, क्योंकि व्हाइट कपड़े पर कलर जो है वो छेने पर कोई कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा छेना इसमें डाल दिया है। अब हम इसे वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला था। कम से कम चम्मच चलाकर 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर ले। इससे जो है रसगुल्लों में कोई खट्टापन नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो रसगुल्ले खट्टे बनेंगे। ये है टिप्स नंबर 2। अब हम इसे कपड़े से अच्छे से यहाँ पर बंद करेंगे, यानी कि हम एक गांठ लगा लेंगे, इसको अच्छे से मरोड़ करके इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से पानी निकालना है। थोड़ा सा गर्म जरूर है, पर आप केयरफुली इसका पानी निकाल लें। यहाँ पर मैं इसका सारा पानी निकाल लूंगी और थोड़ी सी देर के लिए मैं कोई हैवी जो है कोई भी बर्तन हो या कुछ भी आपके पास हो हैवी तो उसे रख दें, और आधे घंटे के लिए आप इसे साइड में रख दें। जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा एक बड़े बर्तन में हम इस छेने को निकाल लेंगे, और कम से कम हमें 10 मिनट के लिए हथेली से इसको मसलना है, मसल मसल करके गूंदना है, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाए। इससे क्या होगा, जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें ये जो है इसको रसगुल्लों को बाइंड करता है। ये है टिप्स नंबर 3। और दोबारा से हम इसमें इसको मसलेंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर भी डाल लिया है। फूड कलर जो है इसका अच्छा वाला कलर लाता है, और इसमें आप कलर जो है अगर नहीं डालना चाहते तो आप केसर भी डाल सकते हैं। और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए से दोबारा से मसलेंगे। अब यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है और इसमें डालेंगे हम 5 कप पानी। 5 कप पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें जो रसगुल्ले पकेंगे तो हमें चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ मीठा पानी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने रसगुल्लों को जो है अलग डिवाइड कर लिया था और 4 रसगुल्ले बना भी लिए थे। अब मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक जो है ले लिया है एक पार्ट इसका, और इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पिस्ता डाला है। आपके पास पिस्ता ना हो तो आप काजू बादाम कुछ भी ले सकते हैं, और आप इसे गोल शेप देंगे। शेप देते हुए ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए, क्योंकि अगर क्रैक आएगी तो रसगुल्ले फट जाएंगे। ये है आपके टिप्स नंबर 4। क्योंकि क्रैक अगर आ गए तो रसगुल्ले बेकार हो जाएंगे, हल्की फुल्की क्रैक आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए यहाँ पर रसगुल्ले रेडी हो गए। अब यहाँ पर ये जो मैंने चीनी का पानी रेडी किया था वो भी उबाल आ चुका है उसमें भी, और अब हम इसे यहाँ पर सारे रसगुल्ले धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि पानी खोलता रहना चाहिए, बिल्कुल भी इसका टेम्परेचर डाउन ना हो, और ढक्कन ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए हमें इसे पकाना है। और हम इसे बीच बीच में जैसे चेक करते रहेंगे। चेक करना जरूरी इसलिए कि इसमें जो है पानी कम ना रह जाए, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गरम गरम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर इस पानी को मैंने पहले ही उबाल लिया था। यह है आपकी टिप्स नंबर 5।
क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो चाशनी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पर ये रसगुल्ला चेक किया था तो ये नीचे बैठ गया था। तो यहाँ पर जब नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब रसगुल्ले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो आपको सारे रसगुल्ले धीरे धीरे बर्फ के पानी में निकाल लेने, ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, बहुत स्पॉन्जी। अब हम यहाँ पर एक चाशनी रेडी कर लेंगे, उसमें हम 1 कप चीनी में कम से कम 2 कप पानी ले लेंगे और इसे हमें पका लेना है। कम से कम हमें इसको ऐसे पकाना है जैसे रसगुल्ले होते हैं काले वाले रसगुल्ले, उससे थोड़ा पतला ही बनाना है। इसमें कलर डाल लेंगे, इलायची डाल लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए बस आप इसे पका ले। और जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाए, आपको लगा कि ये रेडी हो गई है, बस आप इसे गैस फ्लेम से उतार ले और हम इसे ठंडा कर लेंगे। 1-2 मिनट चम्मच चलाकर ठंडा कर ले, फिर इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब कम से कम आधा घंटा हो गया था, चाशनी भी ठंडी हो गई, रसगुल्ले भी हमारे ये देखिए पानी में ही थे जब से। अब हम इसमें से जितना भी पानी है वो सारा पानी निकाल लेंगे और इसमें से पानी निकालने के बाद हम इसे चाशनी में डाल देंगे। पानी इसलिए निकाला जाता है कि जितना भी पानी हम निकाल देंगे उसके बाद ये चाशनी में डाल करके चाशनी एब्जॉर्ब करेंगे, इससे जो है रसगुल्लों के अंदर मिठास पैदा होगी। बहुत से लोग उसी में ही मैंने देखा है कि रख देते हैं, उससे जो है जो हमने पकाया था पानी उसमें रख देते हैं, उससे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते। आप सारे रसगुल्ले अलग चाशनी में डालें और इसको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें और पिस्ते से आप इसे गार्निश कर लें। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसको दूसरे बाउल में चेंज कर दिया था जिससे कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं कि रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं। आप अपने बच्चों को, कोई भी मेहमान आए, बहुत जल्दी बना सकते हैं। 1.5 किलो दूध से कम 8 से 10 रसगुल्ले बन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।